हे गाइस, लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है मेरा, एज यू नो दैट। एंड आज की फरमाइश है एकरी। सो आज मैं एकरी बनाने जा रही हूँ। ऑल्दो मैंने एकरी पहले भी शेयर की थी, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला था कि कैसे बनाई। सो मैं उन्हें वर्बली बता रही थी इट्स बेटर कि मैं आज की एकरी का वीडियो भी बनाऊँ। सो आज मैं बनाऊँगी ढाबा स्टाइल एकरी, जो कि जो बैचलर स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे कि ग्राइंडर मिक्सर वगैरह, सो वो लोग भी केवल चॉपिंग करके एकरी कैसे अच्छी सी बना सकते हैं वो भी देख सकते हैं। ये जो एकरी है मैंने सीखा था किसी मतलब ऑनलाइन पोर्टल से ही सीखा था, बट ये जब भी मैं बनाती हूँ ना, लिटरली बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा। आपको देख के लगेगा कि ये टेस्टी है कि नहीं है। इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पे टोमेटो, अनियन, जिंजर एंड ग्रीन चिली लिया है, एंड खड़े मसाले में काली मिर्च, लौंग एंड इलायची लिया है। एंड आफ्टर दैट मैं एक बाउल में 1 टेबल स्पून टर्मरिक एंड 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर एंड कोरिएंडर ले लूँगी, एंड 2 टेबल स्पून गाइस आपको लेना है बेसन। इसके बाद मैंने एग्स को बॉईल करने रख दिया है। बॉईल करते समय आपको 1 टेबल स्पून उसमें सॉल्ट भी मिला देना है, जिससे कि वो अच्छे से बॉईल होंगे। एंड आफ्टर दैट मैंने ये अनियन को अच्छे से चॉप कर लिया है। आप देखिएगा कि बहुत ही बारीक, जितना बारीक आप काट सकते हैं उतना बारीक काटिएगा, जिससे कि मैश होने में आसानी रहेगी। आप उसमें बाद में मुझे पानी भी मिलाना होता है मैश करने के लिए। यहाँ मैंने ले लिए हैं टोमेटोज, जिसको कि मैं ग्राइंड कर रही हूँ। आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप किसनी की हेल्प से भी किस सकते हैं टोमेटो को। मेरी फिंगर में चोट लगी थी, इसकी वजह से मुझे ग्राइंड करना पड़ा है, अदरवाइज मैं वैसे ही दिखाती हूं। मैं अब कुछ जितने भी मेरे बॉइल्ड एग थे उनको जस्ट पील कर रही हूँ। पील करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं जस्ट जैसे ही गर्म गर्म होते हैं एग, वो जल्दी पील हो जाते हैं, तो मैं जस्ट जल्दी जल्दी गर्म एग्स को पील कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सारे एग पील हो गए हैं। मैं पहले ही ऑयल रख चुकी थी गरम करने के लिए, तो ऑयल भी मेरा गरम हो गया है। ऑयल में मैंने सारे एग डाल दिए हैं। एग डालने से पहले आप थोड़ा सा उसे फॉक की हेल्प से होल कर लें एग के अंदर, जिससे कि वो छिटकेगा नहीं ऑयल आपके ऊपर। एंड ये देखिए हल्का हल्का ब्राउनिश हो गए हैं एग, ये मैंने निकाल लिए हैं सारे ये। इसके बाद जो भी ऑयल बचा हुआ है उसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल कर हम उसी ऑयल में अपनी अनियन को फ्राई करेंगे। अनियन ही एक बेसिक ऐसा एलिमेंट है यहाँ पर जिसको ज़्यादा फ्राई करना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम भी लेती है। ये देखिए यहाँ पर अनियन पूरी तरह से ब्राउन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। गाइज यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, एक्चुअली जैसे ब्राउन हो जाए इसकी प्याज, इसको और मैश करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा पानी मिलाना होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा वाटर ऐड कर रहे हैं। वाटर ऐड करने से जो अनियन है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है एंड एक ग्रेवी जैसी दिखने लगती है। आप थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड कीजिएगा एंड फिर देखिएगा, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्रेवी जैसी लग रही है। एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे जो मेरे प्यूरी थी टोमेटो की वो मैंने ऐड कर दी है, साथ ही साथ कुछ सॉल्ट डाल दिया है। सॉल्ट डालने के बाद अच्छे से स्टिर करना है आपको। गाइज एक अच्छी सब्जी के लिए एक बेस्ट फॉर्मूला होता है, वो है उसका मसाला। मसाला अगर अच्छे से भुन गया तो समझो कि सब्जी अच्छी बननी ही बननी है। एंड भुनने का एक ही सिग्नल होता है, आप देख सकते हैं, जैसे ये मसाले के चारों ओर ना थोड़ा थोड़ा ऑयल आ जाता है। सो दिस इज द सिग्नल कि मसाला हमारा पूरा प्रिपेयर हो चुका है। मसाला अच्छे से भुनने के बाद जो मसाले हमने प्रिपेयर कर रखे थे वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। एंड उसके ऐड करने के बाद भी हम अच्छे से थोड़ा सा भुनेंगे एंड ऑयल निकलने का वेट करेंगे एंड थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे। वाटर उतना ही ऐड करें जितनी आपको ग्रेवी रखनी है, नहीं तो ज़्यादा वाटर भी हो जाता है वो भी अच्छा नहीं लगता। एंड आफ्टर सम टाइम हम इसमें एग भी ऐड कर देंगे एंड इसे ढक देंगे, जिससे कि वो जो ग्रेवी है वो थोड़ा सा एग्स के अंदर। एकरी रेडी हो चुकी है गाइस एंड इट्स लुकिंग सो डिलीशियस, यम्मी। सो
अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बी सेफ.